नमस्ते, निशा बेगम कॉलेजिस किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए एक जबरदस्त डिश लेके आए हैं, खट्टा मीठा चटपटा सा। तो ये देखिए, ये हमने नारियल का तेल बनाए थे उसमें से ये मिठाई हमने बनाया है, बिना चीनी बिना कुछ दिए हुए। ये मिठाई इतना लजीज बनता है, इतना स्वादिष्ट। एक बार आप नारियल तेल जब उठाइएगा देखिएगा, कहीं की नारियल तेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ, आप चेक कर सकते हैं जो कैसे ये बनता है। तो इसमें का हम देखिए 6 पीस ये लड्डू लिए हैं नारियल का जो बनाए थे, और उसका हिसाब से जो सामान लिए हैं मसाला, तो देखिए 4 पीस हमने कच्चा मिर्चा लिया है। आप चाहे तो 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, अपना आप स्वाद का अनुसार दीजिएगा। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है, गोटा जीरा। 7 से 8 पीस हमने लहसुन का कली लिया है। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटा साइज का प्याज लिया है, और 1/2 चम्मच से ज़्यादा 1 चम्मच हमने लिया है काला सरसों। इस सारा देके हम पीस लेंगे। ये देखिए, ये सुखाया हुआ आम है, इसमें भी नमक दिया हुआ है, नमक देखिए इसको सुखाया हुआ। ये 1 पीस हम आपको दिखाने के लिए लाए थे, देखिए यही साइज़ का था, इसको हमने 20 से टुकड़ा कर लिया ए साइज़ का, तो यही साइज़ का ही इसमें दिया जाता है। और आप भी यही साइज़ का दीजिएगा तब खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपको मसाला पीस के दिखाते हैं, मसाला पीस लेते हैं उसका बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मसाला हमने पीस लिया है, अब चलिए चूल्हा का तरफ। ये देखिए पहले से हमने कढ़ाई में तेल देके बैठा दिया था, तकरीबन हम 1 चम्मच भर के लिया है तेल, तो दिखाते हैं चम्मच आपको। ये जो चम्मच है इसमें हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, इसमें 1 ही टीस्पून नमक लगेगा डिश में। तो यही चम्मच में हमने 1 चम्मच सरसों ऑयल लिया है, कहीं की ये जो लड्डू है इसमें नारियल तेल ऑटोमेटिक है, ये देखिए, इसीलिए हम तेल इसमें कम देंगे। तो देखिए 4 पीस हमने सूखा मिर्चा लिया है, ये सूखा मिर्चा इसमें हम ब्राउन टाइप का फ्राई करेंगे। तो देखिए सूखा मिर्चा हमारा ब्राउन टाइप का फ्राई हो गया है। 1 टीस्पून हमने तकरीबन 5 फोड़न लिया है, ये 5 फोड़न हम इसी में ऐड कर देंगे। अब ये जो मिठाई है इसी में ऐड कर देंगे, ये जो आम है इसी में ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा चलाएंगे। अब ये जो मसाला है इसी में ऐड कर देंगे। ये बहुत झटपट बनता है और खाने में उतना ही स्वाद लगता है। तो मसाला हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो देखिए हल्का सा, तकरीबन 1/2 मिनट तकरीबन हमने ये मसाला फ्राई किया है। अब क्या करेंगे, जो बाटी में हमने मसाला लिया था वही बाटी में 1 बाटी हमने पानी दिया है। और 1 बाटी हम दे देंगे। देखिए जो नमक हमने रखा था ये नमक इसी में ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे। बढ़िया से इसको चला लेंगे, ये जो लड्डू है सब गल जाएगा, जैसे जैसे फूटेगा ये गल जाएगा। ये हमने फ्रिज में रख दिया था नारियल तेल जब उठाए थे, इसको फ्रिज में रख दिए थे, इसीलिए ये टाइट है। तो ये जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे ये बिखलते जाएगा। देखिए आधा हमने तोड़ लिया है और आधा ये फूटने पर ही टूटेगा। तो आप क्या करेंगे, आँच हम मीडियम में कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। ये देखिए ये बनके रेडी हो गया है, अब इसको उतार के हम दिखाते हैं। देखिए सब्जी हमारा बनके रेडी हो गया है, इसी तरीका जिस तरीका से हमने दिखाया है उसी तरीका से बना के खाइए। एक बार खा के तो देखिए, उसका बाद बताइएगा जो हाँ क्या बना है डिश। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।